हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस्ड राजस्थान बोर्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन 2024 पेपर हम देखेंगे। इसमें से ये जो पेपर है, इसमें से जो सारा भर हमने पढ़ा, इसमें से एक भी क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं आया। जो हमने पढ़ा उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। देखते हैं कि लास्ट टू डेज में जो मैंने पढ़ाया था बायोलॉजी सेक्शन में से, इसमें से कितना क्वेश्चन आया है और कितना नहीं आया, जरा उसको देखते हैं। क्या जो लास्ट सेशन एक चैप्टर छोड़ के, एक चैप्टर कौन सा था, वो वाला चैप्टर था आई कलरफुल वाला, उसको यहाँ के आगे दनिश सर पढ़ाएंगे, यहाँ के बायोलॉजी जो टीचर हैं, जो सर हैं, वो पढ़ाएंगे, तो वो चैप्टर पढ़ाने नहीं दिया था। बाकी जो 5 चैप्टर मैंने पढ़ाया था, इसमें से क्वेश्चन जो मैं पढ़ा था उसमें से आया था कि बाहर से आया था, उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर डिस्कशन किया हो उसके बाहर आया हो। ये लास्ट टू डेज की बात कर रहा हूँ, लास्ट टू डेज में जो हम पढ़ते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड इज, दही में जो एसिड पाया जाता है वो कौन से एसिड होते हैं, लैक्टिक एसिड, यहाँ पे बताया था मैंने। दूसरा देखते हैं, द हार्ट इन ह्यूमन बींग्स इज पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, बोल रहे क्या ह्यूमन हार्ट जो है वो किस सिस्टम का पार्ट होता है, न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन। जब मैंने ह्यूमन हार्ट को यहाँ पे अच्छे से समझाया था, उसे मैंने बताया था कि ह्यूमन हार्ट क्या करता है, वो ब्लड को पंपिंग करने का काम करता है, यानी वो सर्कुलेशन में मदद करता है। और मैंने दोनों पाथवे के बताया था, डबल सर्कुलेशन इंसान में कैसे, ह्यूमन में कैसे होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या, सर्कुलेशन है। और सर्कुलेशन को मैंने अच्छे तरीके से एक बार हार्ट बनाते वक्त समझा कर बताया था, एक बार जब मैंने लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन बताया था कि लाइफ प्रोसेस, जिंदा लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, फिर वहाँ पर मैंने न्यूट्रिशन को समझाया था, डाइजेशन को समझाया था, एब्जॉर्प्शन को समझाया था, एक्सक्रेशन को समझाया था, सर्कुलेशन को समझाया था, उसके बाद तुम्हारा ए टू जेड सारी चीज़ को मैंने वहाँ पे समझाया था। उस टाइम यहाँ बताया था कि ह्यूमन हार्ट का पार्ट जो किस में काम कर, किस चीज़ में मदद करता है, सर्कुलेशन में। क्लियर। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन, हु डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इन लीफ, लीफ के अंदर जो पोर पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं, उसको ओपनिंग और क्लोजिंग करने का काम कौन करता है, यहाँ पे अच्छे से बताया था मैंने, गार्ड सेल करता है, गार्ड सेल करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th, विच एंडोक्राइन ग्लैंड स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म में कौन ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो क्या करता है, ग्रोथ करने, ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में मदद करता है, कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी मैंने यहाँ बताया था, अच्छे से डायग्राम बना के बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ में हार्मोन सीक्रेट करता है जो तुम्हारे ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करता है। उसके बाद देखते हैं, मैंने यहाँ पे जो पढ़ाया था उसको बताया था बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, मैंने बताया था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसके अंदर ओनली वन पार्ट पाया जाता है, मेल का एक पार्ट पाया गया यानी स्टेमिन पाया गया या पिस्टिल पाया गया, दोनों में से कोई एक एक अलग 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 प्लांट में अगर पाया जाता है, यानी मेल प्लांट में मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमिन पाया गया, फीमेल में फीमेल वाला ऑर्गन पाया गया, स्टिल पाया गया, तो ये क्या यूनिसेक्सुअल। अगर एक कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर दोनों पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों वाला पार्ट पाया जाता है, तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो यहाँ पूछा है कि फ्लावर कॉल्ड व्हेन द फ्लावर कंटेन्स बोथ स्टेमिन और पिस्टिल, स्टेमिन और पिस्टिल अगर दोनों किसी फ्लावर में अंदर पाया जाता है तो उस फ्लावर को क्या कहते हैं, उस फ्लावर को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल चाइल्ड अगर होता है तो उसके लिए क्रोमोसोम कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम, अगर एक्स वाई क्रोमोसोम पाया गया तो क्या होगा, मेल होगा, अगर एक्सेस पाया गया तो वो फीमेल होगा। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 9th है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जिम्मेदार है, पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन को पूरा करके बताया, पूरा अच्छे तरीके से बताया था इसको। लास्ट टू डेज जो पढ़ाए थे चैप्टर्स उनमें से मैं बता रहा हूँ। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, ओनली बायोलॉजी सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने ओनली बायोलॉजी सेक्शन पढ़ाया था, आई वाला चैप्टर छोड़ के बाकी सारे के चैप्टर, सारे चैप्टर, तो ओनली हम इसके बारे में बात करेंगे जो लास्ट टू डेज पढ़े थे। एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस
to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. डायलिसिस यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने यहाँ पे नहीं बताया था. ये हकीकत है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने नहीं बताया था. मैंने क्या किया था, वहाँ पे जब पढ़ा था वहाँ पे तो बनाया था आर्टिफिशियल किडनी के बारे में, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया था. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ के पढ़ाई में से नहीं आया था. उसके बाद द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स. यहाँ पे अच्छे से बना के मैंने समझाया था, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को साइनेप्स कहते हैं. उसके बाद देखते हैं बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी सेक्शन का भी देख रहे हैं हम, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद में बना देंगे, बाद में देख लेंगे कभी. वैसे बच्चों को सामने पूरा डिस्कशन कर ले तो पूरा आ गया. देखते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग. कौन करता है, मेडुला. मेडुला ब्रेन, हाइंड ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो तुम्हारा ब्लड प्रेशर सलाइवेशन और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है. इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स द प्रोपोर्शन परसेंटेज ऑफ डेवलप्ड प्लांट्स फाउंड इन प्लांट ऑब्टेंड इन एफ टू प्रोजेनी वाज बोल रहे. जो एफ टू जेनी जो मेंडल ने क्या किया, क्रॉस करवाया था एक टॉल प्लांट और एक डॉप प्लांट को लेकर उन्होंने क्रॉस करवाया. तो पूछ रहे कि बताओ एफ टू जनरेशन, एफ वन जनरेशन में सारे के सब टॉल हो गए थे, लेकिन एफ टू जनरेशन में ये बताओ कि जो कुछ टॉल आए थे कुछ डॉप आए थे तो दोनों का रेशियो क्या था. तो रेशियो था 3 थे टॉल 1 थे डॉप, तो 3:1 इसका रेशियो था. क्लियर. उसके बाद देखते हैं राइट द एक मिनट रुको, बायोलॉजी का क्वेश्चन वाले देखेंगे. हाँ उसके बाद यहाँ पे दिए राइट वन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में कंज्यूमर का एक एग्जाम्पल बताओ. मैंने यहाँ अच्छे से बताया था प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाता है वो प्रोड्यूसर होता है. जैसे प्लांट्स वगैरह अपना खाना खुद बनाता है इसलिए प्रोड्यूसर है. अब प्लांट को जो खाता है ये सारे के सारे कंज्यूमर, प्लांट को खाने वाला वो कंज्यूमर. और जो जैसे कि गॉड ने प्लांट को खाया तो प्लांट ये गॉड क्या कंज्यूमर हुआ. फिर गॉड को ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन क्या सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया. फिर ह्यूमन को लायन ने खाया ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गया. तो प्लांट को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या है, कंज्यूमर है. तो कंज्यूमर का एग्जांपल आप कोई भी दे दो, लायन के दे दो, बकरी के दे, टाइगर गॉड के दे दो, ये सारे के सारे कंज्यूमर. हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल. पीपल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आयरिस करता है. ये आई वाला चैप्टर है, ये मुझे पढ़ाने नहीं दिया था, ये मैं नहीं पढ़ाया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे में नहीं है. यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ा, वहां पे पढ़ाया था और मैंने बताया था आयरिस. बच्चों ने आंसर सही करके आया. उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया ड्रॉ ए उसके बाद एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस. कॉन्ट्रासेप्शंस के दो मेथड नहीं, दो ऐसे मेथड बताओ जिसके जरिए हम बच्चे को अवॉइड कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं. एक मेथड क्या, कॉपर्टी का इस्तेमाल कर लो, अगर कॉपर्टी लगा लेती है तो उससे हो जाते हैं. दूसरा क्या, कॉन्डम का इस्तेमाल कर लो. मैंने यहाँ डिस्पोजल बोला था, कॉन्डम बोला था, एक ही चीज़ है. कॉन्डम का इस्तेमाल कर लो तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो ये प्रेगनेंसी को रोक देगा, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाएगा, प्रेगनेंसी को रोक देगा. तो इसके लिए ये दो चीज़ का इस्तेमाल, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे अच्छे से इस बात को समझाया था और बताया था. उसके बाद ड्रॉ ए लाइन डायग्राम शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स अप टू एफ टू प्रोजेनी बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट प्लांट्स. दो एक प्योर टॉल और एक ड्वार्फ के बीच में आप क्या करो, क्रॉस करवा करके बताओ एफ टू प्रोजेनी किस किस तरह के इनहेरिटेंस होते हैं ये बताओ. तो यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को टॉल और ड्वार्फ के बीच में, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ के बीच क्रॉस करवा के बताया था. फिर इसका पूरा इसका रेशियो टू जो बताया था 3:1 फेनोटाइपिक रेशियो आया था, जेनोटाइपिक रेशियो क्या आया था 1:3:1. ये पूरा क्रॉस ये डिस्कर्स करके यहाँ पे बताया था. उसके बाद देखते हैं जो बायोलॉजी सेक्शन का आया हुआ है क्वेश्चन. फिर यहाँ पे मैंने बताया था आर एनवायरमेंट वाले चैप्टर में एक्सप्लेन टू वेज टू मैनेजिंग द गार्बेज प्रॉब्लम. जो गार्बेज वगैरह आ जाते हैं इसको
मैनेज करने का, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हाउस होल्ड वगैरह को जो भी हमारे घरों में कचरा निकलते हैं इसको हम किस तरह से मैनेज करें, इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से बोर्ड पे बताया था और इसको यहाँ पे किया था और वहीं से क्वेश्चन ये आया हुआ है। दूसरा, डिस्क्राइब ब्रीफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ए फूड चैन। फूड चैन को यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से मैंने बताया था कि फूड चैन क्या है तुम्हारा ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि मान लेते हैं तुम्हारा प्लांट ने प्रोड्यूस किया, प्लांट ने खाना बनाया, प्लांट को खाया किसने, किसने बकरी ने, बकरी को खाया किसने तुम्हारा ह्यूमन ने, ह्यूमन के खाया किसने टाइगर ने, तो ये एक चैन के फॉर्म में आता है। तो ग्रास गॉट, उसके बाद ह्यूमन, उसके बाद लायन, ये सारे के एक फूड चैन की तरह काम करता है। तो फूड चैन को इस तरीके से मैंने बताया था यहाँ पे और वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, ऑनली बायोलॉजी सेक्शन को देख रहे हैं अभी जो यहाँ लास्ट टू डेज में पढ़े थे। विच पार्ट, क्वेश्चन देखते हैं 71, ठीक है ना। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो मेडुला ऑब्लॉन्गाटा क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। जब मैंने यहाँ पे ब्रेन को बताया था तो उस वक्त इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का मेडुला ऑब्लॉन्गाटा करता है, ठीक है। वैसे भी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का कौन स्पाइनल कोड करता है, ये भी ध्यान रखना है। राइट नेम एंड टू फंक्शंस ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रेट होता है, हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, इसको मेल हार्मोन करते हैं। मेल हार्मोन क्या करता है, मेल कैरेक्टर को जनरेट करता है, जैसे कि मुस्टेज का दाढ़ी वगैरह आ जाना, बाल का भारी हो जाना। तो मेल हार्मोन जितना सिक्रेशन होगा उतने ही मेल वाले कैरेक्टर को, कैरेक्टर किसी मेल में आते रहेंगे, ठीक है। इस कैरेक्टर को लाने का जिम्मेदार किसका होता है, टेस्टोस्टेरोन का होता है, टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसका काम होता है। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन पूछा, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना, मैंने यहाँ कल रात में बताया था और वहाँ पे बोर्ड पे मैंने डायग्राम बना करके बताया था, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना के इसको समझाया था और यही डायग्राम डायरेक्ट आया। और यहाँ पे कल मैंने बोला था जब बच्चों के सब पास बैठा था, यहाँ पे बताया था कि इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो, ये आएगा, एग्जिट हुआ आएगा डायग्राम। उसके बाद देखते हैं, एक्सप्लेन द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन सा इवेंट्स होता है उसको एक्सप्लेन करो। मैंने वहाँ बताया था क्लोरोफिल सनलाइट को पकड़ता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, उसके बाद क्या होता है, हवा से स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके बाद ये सारे इवेंट्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो इवेंट्स इसने पूछा है, यहाँ भी बताया था, भैया लास्ट टू डेज वाले में से। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। लीफ के डायग्राम को, क्रॉस सेक्शन उसके डायग्राम को बताओ, ये भी बताया हुआ था यहाँ पे जब स्टोमेटा वगैरह बताया था। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड लीव्स। लीव्स के अंदर स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन करता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के प्रोसेस को बताना है। तो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल इसको क्लोज कर, इसके अंदर रेडियल सेल्स होते हैं, जब ये सुकड़ जाता है, जब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओपनिंग हो जाएगा, जब वो रिलैक्स कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। तो इसको पूरा एक्सप्लेन करना था। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा। एक ओपन स्टोमेटा का बनना, एक क्लोज स्टोमेटा का बनना, यहाँ पे पूरा बताया हुआ था कि ओपन वाला कैसा होता है, क्लोज वाला कैसा होता है। तो यहाँ तक था हमारे पास डिस्कशन। तो यानी बायोलॉजी सेक्शन में जो हमने पढ़ाया था एपिसोड वहीं से आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओवरऑल पूरे पेपर को देखें, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे यह बताया कि जो मैंने दो दिन में रिवीजन कराया, लास्ट टू डेज, यानी टोटल मैंने जो क्लास दिया था यहाँ पे लास्ट टू डेज में जो क्लास दिया था दो दिन की, इसके बारे में मैंने डिस्कशन यहाँ पे किया ओनली बायोलॉजी वाले पार्ट में। वो भी एक चैप्टर जो दिनेश सर पढ़ाने वाले थे और मुझे मना किया था बच्चों ने, कहा नहीं दिनेश सर पढ़ाएंगे और मैं